छत्तीसगढ़ राजस्थान आणि मध्य प्रदेश इथं मिळालेल्या यशाबद्दल भाजपच्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत। हा विजय फक्त पक्षाचा नसून जनतेचा कार्यकर्त्यांचा आहे असं मत भाजपचे नेते व्यक्त करत आहेत। पूरे राज्यों ने यह दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है, वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत जीत रही है। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60% पर निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आपने कभी मानते ही नहीं थे, मैं तो वहां काम करता हूं, पहले प्रभारी रहा हूं। वहां के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जिस तरह का राज भूपेश बघेल ने किया था तो हार नहीं था। तो ये समझिए कि अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। जो मोदी गारंटी है ना, लोग ये मानते हैं, जमीन पर दिखाई पड़ता है। अगर टीके लगे, मैंने पूछा टीके लगे, खबर मोबाइल पे आई। अगर बहनों के अकाउंट में पैसा गया तो गया, किसानों के अकाउंट में पैसा गया तो गया, सड़कें बनी हैं तो बनी हैं। पत्रकार भी देखते थे, भाई कमाल है, एमपी की सड़कें, छत्तीसगढ़ की सड़कें, नेशनल हाईवे। तो ये जो बदलाव है देश में, बड़ा बदलाव है इसलिए। और जात पात की पॉलिटिक्स को भी एक बहुत बड़ा विराम लगा है। मोदी जी ने कहा मेरे लिए किसान, युवा, बहनें, बेटियां और नौजवान और ये हमारे गरीब, ये जातियां हैं। तो जनता ने उन पर विश्वास किया, बाकी सब खाली बात करते हैं पिछड़ों की और बैठाते हैं अपने परिवार को सत्ता में, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, ईमानदारी से काम करता है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि दायरा भले ही क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन जिस गहराई तक काम करना पड़ता है, जिस गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसमें एक संतुष्टि भी है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास, परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है।